الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هم لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے کیا کیا نہ دیا عالم کو اس محسن عالم نے کیا کیا نہ دیا عالم کو اس محسن عالم نے دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے انسان اس کائنات میں اللہ نے آباد فرمائے اور
इस दुनिया को इंसानों की ज़रूरियात के लिए मुज़य्यन किया। और चूंकि इंसान मुतज़ाद चीज़ों से बनाया गया है, बात मेरी तवज्जो से सुनिए, इंशाल्लाह समझ आएगी तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। इंसान को अल्लाह ने मुतज़ाद चीज़ों से बनाया, आग, हवा, पानी, मिट्टी, कितनी चीज़ें, इसको अनासिर अरबा भी कहते हैं। अब ये चार चीज़ों का मजमूआ इंसान, और ये चारों चीज़ें बाहमी मुतज़ाद हैं, मुतसादिम हैं, एक दूसरे को कबूल नहीं करती। ना आग और पानी का जोड़ है, ना आग और हवा का जोड़ है, ना पानी और मिट्टी का, एक दूसरे के खिलाफ है। जब इंसान के अंदर मुतज़ाद चीज़ें हैं इसकी तख्लीक में, तो इसकी सिफात भी मुतज़ाद है। अब इसके आमाल भी मुतज़ाद होंगे, कभी अच्छे, कभी नरम गरम, सिफात भी इसके मुतज़ाद होंगे। और अगर चार अनासिर से हट कर देखा जाए, पहली बात को समझ लीजिए कि चार अनासिर का टकराव है तो इसके सिफात में भी टकराव आएगा। अब जब टकराव आएगा, तजाद होगा, तो फसाद भी होगा। क्या होगा? फसाद भी होगा। तो जब फसाद होगा तो सबसे पहली जरूरत इसके लिए इसके इस्लाह की है। बना तो दिया है मुतज़ाद चीजों से, मुतज़ाद सिफात का हामिल भी होगा, बिगाड़ आएगा, फसाद आएगा, इसके इस्लाह के लिए क्या चीज है, क्या प्रोग्राम है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान के की इस्लाह के लिए, इसके बिगाड़ को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ों का इंतखाब फरमाया है, एक निसाब इस्लाह और एक उस निसाब के ज़रिए इनकी इस्लाह करने वाले मुअल्लिम और मुसलिह को अल्लाह ने पैदा किया। निसाब इस्लाह ने अल्लाह ने आसमानी किताबों को मुकर्रर किया और उन निसाबों के जरिए इनकी इस्लाह करने के लिए अंबिया का इंतखाब फरमाया। मैंने कहा अगर चार नहीं, इंसान को दो चीजों का मजमूआ मान लिया जाए, कितनी चीजों का? दो चीजों का, कि इंसान पैदा है मिट्टी जिस्म से और रूह से। इंसान किससे मुकम्मल होता है? रूह और जिस्म। रूह ऊपर से आया, जिस्म नीचे मिट्टी से बनाया। अब जब दो चीजों का मजमूआ है, इन दोनों के इस्लाह के लिए जरूरत है। रूह की इस्लाह किससे होनी है, बदन की इस्लाह किससे होनी है? बदन जिस्म बना है मिट्टी से, तो इसकी जरूरियात और इसकी इस्लाह की चीजें भी अल्लाह ने मिट्टी से पैदा की हैं। कभी डॉक्टर कहता है ये खाओ, कभी कहता है आपकी सेहत के लिए ये बेहतर है, ये बेहतर है, क्या ख्याल है? ग़िज़ाएं इसके बदन की इस्लाह के लिए, बदन मिट्टी से, तो इस्लाह के लिए चीजें भी मिट्टी से पैदा की। और रूह ऊपर से आई है तो अल्लाह ने रूह की इस्लाह के लिए निसाब भी ऊपर से उतारा है। यहां तक मेरी बात
समझ गए होंगे आप कि रूह में बिगाड़ पैदा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए प्रोग्राम और इस्लाह के लिए वही नाजिल की है। अब पैगंबर ने इस्लाह करनी है इंसानियत की, तो पैगंबर की इस्लाह पहले नंबर पे मालिक कायनात खुद करता है। अल्लाह अकबर। पैगंबर चूंकि उम्मत की इस्लाह करता है तो पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरबियत और इस्लाह खुद रब्बे कायनात करते हैं। इंशाअल्लाह जब बात खुलेगी ना तो आप झूम जाओगे। अल्लाह के पास पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद्दबनी रब्बी फअहसना तादीबी। रिवायत ज़ईफ है, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लेकिन माना हो सही हुन, माना इसका दुरुस्त है। वो क्या कि मेरे रब ने मेरी मुझे अदब सिखलाया, अदबनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे क्या सिखलाया, अदब सिखलाया। फअहसना तअदीबी, मेरे रब ने मेरी तरबियत और अदब सिखलाने में हद कर दी, बड़े अहसन तरीके से मुझे सिखलाया। अब इस्लाह के लिए जो निसाब है वो क्या है, कुरान कहता है وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ। इसी तरह मेरा पैगंबर हमने आपकी तरफ वही की है, रूहम मिन अमरिना, रूह की वही की है। हरिपुर वालों जुमला समझने की जरूरत है। अल्लाह ने इंसान को बनाया रूह और जिस्म से, रूह की इस्लाह के लिए अल्लाह ने जो किताब उतारी है, अल्लाह ने उस किताब का एक नाम भी रूह रख दिया है। रूह की इस्लाह के लिए जो चीज उतारी उसका नाम भी क्या रखा, रूह रखा। وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ रूहम मिन अमरिना मा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान। मेरे पैगंबर आप नहीं जानते थे किताब क्या है, वलल ईमान, और आप नहीं जानते थे कि ईमान की तरफ दावत कैसे देनी है। अल्लाहु अकबर। रब ने किताब भी सिखाई और रब ने ईमान की तरफ दावत देने का तरीका भी सिखलाया है, और इसी हकीकत को कुरान दूसरे मकाम पे यूं बयान करता है, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बास फीहिम रसूला। दोस्तों कुछ तो साथ दो मेरा, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया है। एहसाना तो अल्लाह के बेशुमार है मेरे दोस्तों। उसने पैदा किया, एहसान है उसका। उसने सूरज की धूप दी है, एहसान है उसका। उसने ऑक्सीजन पैदा की है, सांस ले रहे, एहसान है उसका। लेकिन इतने एहसानात करने के बावजूद भी अल्लाह ने करोड़ों एहसानात किए लेकिन किसी एहसान को जतलाया नहीं है। बस एक एहसान ऐसा है जो जतलाने के काबिल है, वो फरमाया कि मैंने आखिरी पैगंबर भेजा है, ये मेरा एहसान है। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला,
अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें रसूल भेजा, फिर अर रसूल नहीं कहा, रसूलन तन्वीन जिक्र की है, यानी अजमत वाला रसूल, शान वाला रसूल, ताजीम और मकाम वाला रसूल आया सबसे आखिर में, लेकिन मकाम और मर्तबा सारे नबियों से आला है। जहां सब लाख नबी आ जाएं, इमाम और मुक्तदा सिर्फ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बन सकते हैं। لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم। अगली बात भी तो देखने की है, वो शान वाला, वो मकाम वाला, वो ताजीम वाला रसूल अल्लाह ने भेजा, लेकिन फरिश्तों में से नहीं, जिन्नों में से नहीं भेजा, मिन अनफुसिहिम, इंसानों की जिन्स में से भेजा है। जैसे अगर किसी कौम के खानदान में से, किसी कबीले में से कोई वजीर आजम बन जाए, लोग कहते हैं हमारे लिए फख्र है, मेरे खानदान का बंदा वजीर आजम बन गया, मेरे खानदान का बंदा सदर बन गया, मेरे खानदान का बंदा बरादरी का बंदा चीफ जस्टिस बन गया, आर्मी चीफ बन गया, लोग इन चीजों पे फख्र करते हैं। अगर फरिश्तों में से आ जाते, सर फरिश्तों का फख्र से बुलंद हो जाता, जिन्नों में से आ जाते, सर फख्र से बुलंद जिन्नों का हो जाता, लेकिन मिन अनफुसिहिम, मैंने इंसानों ही की जिन्स में से भेजा ताकि शान से फख्र इंसान का बुलंद हो जाए। अल्लाह, ताकि तुम्हारी शान बन, मिन अनफुसिहिम। और एक दूसरी बात भी कहने लगा हूं कि चूंकि पैगंबर ने तुम्हारी इस्लाह करनी थी, तो अगर वो फरिश्तों में से होते तो इस्लाह ना हो सकती। क्यों? इसलिए लोग कहते जी आपको तो खाने की जरूरत नहीं, हमारे साथ तो पेट भी लगा हुआ है। जी फरिश्तों में से होते तो लोग कहते जी आपके तो माँ बाप बरादरी खानदान नहीं है, हम तो रिश्तों में बरादरियों में जकड़े हुए हैं। फरमाया मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जिन्स में से भेजा, खाते भी हैं पीते भी हैं। अगर तुम चार शादियां करते हो तो मेरे पैगंबर की 13 शादियां की हैं, अगर तुमने बच्चे पैदा किए तो मेरे पैगंबर ने 3 बेटियां और 3 बेटे और 4 बेटियां मैंने उनको अता की हैं। खानदान उनका भी है, बरादरी उनकी भी है, फूफियां और खालाएं चचा उनके भी है। मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जिन्स में से भेजा, काम क्या होगा? फरमाया यु यतलू अलैहिम आयातिही, पहला काम के वो इनके ऊपर अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएगा। इस्लाह के लिए भेजा तो इस्लाह किससे होगी? यतलू अलैहिम आयातिक। आज भी लोग मुआशरों की इस्लाह करना चाहते हैं, कहानियों से, खुराफात से इस्लाह करते हैं, उनसे इस्लाह नहीं होती, इस्लाह होती है रब के कुरान से। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिका, अल्लाह की आयतें पढ़ेगा, आयातिही वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करेगा। कई दफा मैं ये आयतें पढ़ चुका हूं अपनी तकरीरों में, युज़क्कीहिम, उन्हें जोर से बोलो क्या करेगा? पाक करेगा। किससे पाक करेगा? हर किस्म की गंदगियों से पाक करेगा, और गंदगियों में सबसे बड़ी गंदगी शिर्क वाली है। सबसे बड़ी गंदगी शिर्क वाली है, तो उन्हें शिर्क वाली गंदगी से पाक करेगा, जो सबसे बड़ी गंदगी है। इसीलिए तो कुरान कहता है जो शिर्क वाली गंदगी में मुब्तला हो गया
वो सबसे बड़ा गंदा है। कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक क्या है? नापाक है, नजस है। क्यों नजस का? इसलिए कि शिर्क पलीती और गंदगी है, और जो ये पलीती करता है वो गंदा हो जाता है। तो पैगंबर को मैंने इसलिए भेजा है यूसुफ के इनको इस गंदगी से पाक करे। अच्छा, सिर्फ इसी गंदगी से नहीं, निफाक वाली गंदगी से पाक करे, बुग्ज वाली हसद वाली गंदगी से पाक करे, इनके अखलाक रजीला से इनको पाक करे, और अखलाक हसना से इनको मुजयन करे। युज़क्कीहिम, इनको पाक करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह जो पाक हो जाए तो उनको बिठा के फिर तालीम किसकी देगा? अल्लाह। युअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब की तालीम देगा। और हरिपुर वालों किताब से कौन सी किताब मुराद है? रब का कुरान मुराद है। युअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब की तालीम देगा। वल हिकमता, और किताब के बाद दूसरा नंबर है वल हिकमता, अपनी सुन्नत की तालीम देगा। किसकी तालीम देगा? तो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाएगा, पाक करेगा इनको, तालीम किताब देगा, और सुन्नत की जो हिकमत है इसकी तालीम इनको देगा। और यही आयत अल्लाह ने दूसरे मकाम पर दोहराई है। सूरत का नाम सूरतुल जुमुआ है, 28वां पारा, दूसरी आयत है। कुरान कहता है हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीना रसूलम मिनहुम, अल्लाह वो ज़ात है जिसने उम्मीन नाख्वांदा अनपढ़ लोगों में अपना शान वाला रसूल भेजा है। मिनहुम, उन्हीं उम्मीन में से, यतलु अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पहला लफ्ज़ ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह वो है बासा फिल उम्मीन रसूला, जिस उम्मत में रसूल भेजा वो उम्मीन है। क्या है? बोलो बोलो, वो क्या है? वो उम्मीन है, और जो रसूल भेजा वो नबी उम्मी है। अल्लाह, इंशाल्लाह मैं माना करूंगा आपका दिल खुश हो जाएगा। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, और सूरत का नाम सूरतुल आराफ है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह फरमाते हैं الذين يتبعون الرسول النبي الذين वो लोग يتبعون जो पैरवी करते हैं الرسول النبي الأمي अल्लाह किसकी? रसूल की, नबी की। कैसा रसूल और नबी जो क्या है? उम्मी है। ज़रा ये आयत भी सुन लीजिए, ये मेरे सामने है फ़ामिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबील उम्मी, बस ईमान लाओ अल्लाह पर व रसूलिहि नबील उम्मी, और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी हैं, जो रसूल नबी है। और इससे एक दो आयतें पहले आयत नंबर 157 सूरत आराफ में फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिउनर रसूलन नबियल उम्मिया अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील, वो लोग जो नबी उम्मी
रसूल की इत्तेबा करते हैं, कौन सा नबी है उम्मी, यजिदूनहु, जिस नबी उम्मी को वो पाते हैं अपने यहां मकतूबन लिखा हुआ, फिर तौरात वल इंजील, तौरात में और इंजील में, किस में, तौरात में और इंजील में। तो अब उम्मत को भी उम्मी कहा मक्के वालों को, और नबी को भी क्या कहा, उम्मी कहा। फर्क क्या है, उम्मती के लिए उम्मी होना कोई तारीफ की बात नहीं, उम्मती के लिए उम्मी होना, क्योंकि उम्मती के हक में माना होता है अनपढ़ ना ख्वांदा, लेकिन नबी के लिए उम्मी होना कमाल है। कैसे, कि नबी ये उम्मी वो है जिसने बंदों से नहीं पढ़ा, जिसने रब से पढ़ा है, अल्लाहु अकबर, जिसने कलम नहीं उठाया मगर कलम वाले उसके शागिर्द हैं, अल्लाहु अकबर। ये है कमाल, देखिए मैंने कहा अल्लाह ने पहले खुद पैगंबर की तरबियत की, इस्लाह का तरीका बताया, तरबियत की इलम दिया, निसाब इस्लाह दिया, फिर फरमाया अब मेरी तरबियत के बाद मेरा पैगंबर तरबियत शुरू कर दीजिए, तो इंशाल्लाह मेरे इन जुमलों पे आप इंशाल्लाह जरूर दाद देंगे। नबी उम्मी आया, उस उम्मी को अल्लाह ने सिखाया, ऐसा सिखाया कि कुरान कहता है وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, میرا پیغمبر میں نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, نبی امی کو رب نے ایسا سکھایا کہ انہیں کائنات کے لیے مقتدا, معلم اور مسلح اور ہدایت کا سراج منیر سورج بنا کر بھیج دیا, اور اس امی رسول نے آگے امیین کو پھر ایسا پڑھایا کہ ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا, اللہ اکبر۔ میری بات سمجھے, میرا کتنا دور کا اشارہ کیا ہے, اللہ نے جنہیں سکھایا تو انہیں ہادی عالم بنا دیا, کیا بنا دیا, سراج منیر بنا دیا, آسمان ہدایت کا سورج بنا دیا, اور سراج منیر نے جن امیین کو سکھایا تو ان کو آسمان ہدایت کا کیا بنا دیا, ستارہ بنا دیا, اور ایمان و ہدایت کے لیے معیار بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, اور جس امید پیغمبر علیہ الصلات والسلام کو سکھایا, قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, کہ میرے پیغمبر کو یہ تورات اور انجیل میں میرے پیغمبر کے اوصاف اور تذکرہ ایسا پاتے ہیں۔ ہری پور والو, قرآن نے یہ نہیں فرمایا یجدون ناتہو, یجدون اسمہو نہیں فرمایا, یجدون وصفہو نہیں فرمایا کہ یہ میرے نبی کے اوصاف پاتے ہیں تورات میں, یہ میرے نبی کا نام پاتے ہیں تورات میں, بلکہ اللہ نے حد ہی کر دی, فرمایا یجدونہو, گویا کہ یہ میرے پیغمبر کا کی میں نے تورات میں تصویر لگا دی جس کو یہ پاتے ہیں۔ اتنا صاف کر کے نقشہ بیان کیا مفسرین میں سے بعض نے لکھا ہے کانہو,
आपका तज़किरा का अन्नहा सूरतुन कलमिया, गोया कि अल्लाह ने तौरात और इंजील में कलम से आपकी सूरत बना के डाल दी है। और इतना पैगंबर को ऐसे पाते हैं और पैगंबर ने जिनको सिखाया उनको कैसे पाते हैं। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील, के सहाबा की मिसालें तौरात और इंजील में हैं। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, तालीम किताब की देगा और सुन्नत की देगा। हाई पूर वालो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगंबर को ऐसा मुसलिह आजम बना कर भेजा। आपकी इस्लाह का ये तरीका, सोच बंदे की अकल धंग रह जाती है। आज तो इस्लाह लोग करते हैं लेकिन इस्लाह से ज्यादा उनकी गुफ्तगू में शर होता है। इस्लाह करते हैं लेकिन उनके लहजे में इस्लाह के बजाय फसाद का अंसर ज्यादा होता है। इस्लाह तो करते हैं लेकिन उस इस्लाह के जरिए बिगाड़ आता है, इस्लाह नहीं आती। इस्लाह पैगंबर के तरीके पर कीजिए। जरा देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मजमा बैठा है, सहाबा किराम आपके इर्द गिर्द हलका बना के बैठे हुए। एक पिंड देहात का रहने वाला शख्स आया और आते ही उधर मस्जिद के सैन में बैठ के पेशाब करने लगा। कच्ची मस्जिद थी तो साइड पे जाके सैन में पेशाब करने लगा। जो ही उसकी ये हरकत हुई, सहाबा किराम फौरन उठते हैं, तलवारें बाहर होती हैं, उठते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तज़रिमु, ओ भाई उसका पेशाब आधे में ना रोको, उसका पेशाब आधे में ना रोको, फारिग हो लेने दो। वो समझ तो गया उसने कि भैया कोई मुझसे ऐसा कोई काम हुआ है कि ये हालत बन गई। जब उठा, हाजत पूरी की, नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया इधर आओ। जब वो आने लगा तो आने में लड़खड़ा रहा है कि अब मेरी खैर नहीं है, और खुद बयान करता है वो देहाती अपना वाकया। कहता है अल्लाह की कसम सब मुझे घूर के देख रहे थे सिवाय मुर्शिदे कायनात के, कि जब मैं उनके पास आया तो मुझे कहने लगे इन्ना हाज़िहिल मसाजिद लम तुबना लिहाज़ा, ओ देहाती ये मस्जिदें इस गंदगी के लिए नहीं बनाई गई हैं। इन्नमा बुनियत लिज़िक्रिल्लाह, ये तो अल्लाह को याद करने के लिए बनाई गई है। फिर आपने उसकी ऐसे तरीके से तरबियत की है, वो उठता है ईमान तो लाता ही है, लेकिन जिंदगी भर वो कहता था माराई तो अहसन तालीमं मिन रसूलिल्लाह, माराई तो मुअल्लिमन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के पैगंबर की तालीम देखी, आपसे बेहतर मुअल्लिम और उस्ताद मैंने ना आपसे पहले देखा और ना आपके बाद किसी को देखा। खुद ही कहते हैं काम मेरा ये था कि मुझे मारा जाता, हरकत मेरी ऐसी थी, लेकिन मल्लाए मा फज़हनी वला लतमनी वला शतमनी, न गाली दी न रुस्वा किया न मुझे मारा। समझाया, आप मुअल्लिम थे, मुसलिह थे, आपने इस्लाह का ये तरीका अपनाया। अल्लाहु अकबर, फिर क्यों ना कायनात में तब्दीली आए, फिर क्यों ना मुआशरा तरक्की की राह चले, फिर क्यों ना अखलाक लोगों के उम्दा हों। मेरे दोस्तों, आइए हम भी इस निसाब तरबियत, जो तरबियत का अजीम निसाब अल्लाह ने हमें दिया है, जो इस्लाह का अजीम प्रोग्राम कुरान की सूरत में दिया है, आइए हम भी इसके जरिए अपनी इस्लाह करें। युज़क्कीहिम का एक माना ये भी है
आप पाक करते हैं गंदे अखलाक से, आप पाक करते हैं बुरी आदत से, आप पाक करते हैं गंदी जबान इस्तेमाल करने से, आप लोगों को पाक करते हैं हराम खाने से। युज़क्कीहिम, हराम से मना करते हैं, पाकीज़ा खाने का हुक्म देते हैं। और कुरान वैसे ही नहीं कहता है, कुरान कहता है युहिल्लु लहुमुत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये पैगंबर इनके लिए जो पाकीज़ा चीज़ें हैं उनका हलाल होना बयान करते हैं, जो हराम हैं उनका हराम होना इनके लिए बयान करते हैं। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुनखनिकतु वल्मौकूज़तु वल्मुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस्सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम। तुम पे हराम कर दिया गया मुर्दार, तुम पे हराम कर दिया गया खून पीना, खून खाना, व लहमुल खिंजीर, तुम पे हराम कर दिया खिंजीर का गोश्त खाना, व मा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही, और हर वो चीज़ अल्लाह ने हराम करार दी है जिसको गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए नामजद कर दिया जाए, जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए। अल्लाह ने खिंजीर से बढ़कर उन चीज़ों का हराम करना जिक्र किया, ये तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया है। वन्नतीहतु अल्लाह वल मुतरद्दियतु, ऊपर से गिर गया जानवर वो हराम है, मर गया जानवर, आपस में लड़े, दूसरे ने एक को सींग मार के कत्ल कर दिया, मार दिया, ये भी हराम है। तुमने चोट मारी जानवर को, वो चोट लगने से मर गया, ये भी हराम है। हाँ इल्ला मा ज़क्कही तुम, जिसे तुम जिंदा पाओ और अल्लाह का नाम लेके ज़बह कर दो, वो पाक है और वो हलाल है। युज़क्कीहिम, खाने में भी पाक चीज़ों की तरगीब देते हैं तुम्हें, और कुरान की ये तालीम है कुलू मिनत्तय्यिबाति वामलू सालिहा। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरे रसूलों कुलू मिनत्तय्यिबात, कैसी चीज़ें खाओ? पाक चीज़ें खाओ। ये इस्लाम का अहम नुक्ता है, पाक चीज़ें खाओ। तो पैगंबर खाने में भी पाक और हलाल चीज़ों की तालीम देते हैं। युज़क्कीहिम, आइए हम अपना तज़किया करें। अगर हमारे माल से ज़कात नहीं निकली, युज़क्कीहिम, माल में से ज़कात देने का हुक्म देते हैं पैगंबर। क्यों? युज़क्कीहिम, ताकि इनके माल से मैल निकल जाए और पिछला माल क्या हो जाए? पाक हो जाए। ज़कात क्या चीज़ है? आपके मालों की मैल है। क्या है? मैल है। जब तक ये नहीं निकालोगे सारा माल क्या रहेगा? गंदा रहेगा, नापाक रहेगा। युज़क्कीहिम, ये निकालो। अल्लाह अकबर, पैगंबर ऐसा तज़किया करते हैं। और हम लोगों को क्या बताते हैं जी? ज़कात से बचने के तरीके। वो तो खैर हमारे ऐसे ज्यादा लोगों को भी अभी पता चल गए, किसी चीज का पता नहीं है। लेकिन एक सुनहरा था, मैं उसके पास गया, कहने लगे जी हजरत साहब मैं अपने बच्चों को बड़ा समझाता रहता हूँ, ये सारे जाहिल हैं, समझते नहीं है। मैंने कहा जी क्या समझाते रहते हो? अब क्या समझाते हैं? मैं इनसे कहता हूँ पैसे जमा होने ना दो, साल गुजरने ना दो, उससे पहले बस ज़मीन खरीदो, क्योंकि ज़मीन पर ज़कात नहीं है, बस ज़मीनें खरीदते रहो, ज़कात से बचते रहो। मैं कहा माशाल्लाह बहुत आला तालीम दे रहे हैं, ये वाकई जाहिल हैं। इलम इसी को कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से बचने के क्या सोचे जाएं, तरीके सोचे। एक और ने कहा जी हम ऐसे करते। मैंने कहा कैसे करते हो? ये ज़कात बीवी की अलग होती है, मेरी अलग होती है। तो जब मेरी ज़कात के ऊपर साल गुजरना करीब होता है, अभी ज़कात फर्ज नहीं होती, मैं सारा माल बीवी को तोहफ़तन दे देता हूँ। तो अब उसके ऊपर ज़कात तब फर्ज होगी जब साल
तो वो 7-8-9 महीने इस्तेमाल करती है, पड़ा रहता है पड़ा, जब उधर साल पूरा होने लगता है तो वो फिर मुझे तोहफा दे देती है, वो भी बच गई और मैं भी। वाह भाई, मैंने कहा यहूदियों ने तो यही किया कि उन्होंने कहा जी हमने हफ्ते वाले दिन तो शिकार किया ही नहीं, अल्लाह ने कहा मछली नहीं पकड़नी हफ्ते के दिन, तो तालाब बना दिए, बड़े नहर से, बड़े दरिया समंदर से नालियां ला के छोटी छोटी घरों के पास होज बना दिए, मछलियां उससे पहले दिन जुमे वाले दिन खूब मछलियां ही मछलियां, आगे बंद बना देते, हफ्ते का दिन गुजरता मछली वापस जाती रास्ता ना मिलता, इतवार वाले दिन निकाल लेते, कहते बादशाह में कोई इतराज है तो हम सोमवार को निकाल लेंगे, इतवार को भी अगर आपको नाराजगी है तो खैर है हम सोमवार वाले दिन निकाले। तो नतीजा क्या निकला, कूनू खिरादतन खासीन, रब ने शक्लें बदल दी, बंदर और खंजीर बना दिए। इस उम्मत ने हर वो काम शुरू कर दिया जिस काम की वजह से पिछली उम्मतें क्या हुई हैं, तबाह हुई, वो सारे काम इस उम्मत के चेहरों पर अगर पैरा कोई चीज दे रही है तो वो मेरे पैगंबर की दुआ पैरा दे रही है। फरमाया अल्लाह मेरी उम्मत जितना भी गुनाह करे, जितनी भी बिगड़ जाए, अल्लाह इनकी शक्लें नहीं तब्दील करनी, वरना आपकी वो दुआ ना होती, आप देखते के बड़े बड़े रात को कुछ तो सुबह आप देखते गली में कोई और बला निकली हुई है। आइए हम अपनी इस्लाह करें, कुरान के जरिए इसको पढ़ें, यकीन कीजिए आप तन्हाई में हो ना, इस किताब को खोलिए आपको तन्हाई नहीं लगेगी। अगर आप सैर करना चाहते हैं तो ये किताब आपको जन्नत के ऐसे बागों की सैर करवाएगी जो आपकी सोच से भी बालातर है, और अगर आप तारीख पढ़ना चाहें तो आपको हकीकी और सच्ची तारीख अंबिया की बयान करेगी। आप कौन सा फन है जो आप पढ़ना चाहते हैं, ये तो ऐसी किताब है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो क्या ही खूब कहते हैं, कहते हैं जब मेरा दिल करता है कि मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, कि नमाज में बंदा रब से बातें करता है, और जब दिल करता है कि रब मुझसे बातें करे तो कुरान पढ़ने लगता हूं, कुरान में रब मुझसे बातें करता है। आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे गुफ्तगू करे, कुरान पढ़ो, ये रब आप ही से गुफ्तगू कर रहा है। खलकुम, ये किसको कह रहे हैं, अल्लाह हमें ही तो कह रहे हैं, ये आपसे गुफ्तगू है। आइए अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।